नमस्ते, आप सभी लोगों के नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम कुछ हम बात करने वाले हैं 10th स्कॉलरशिप 2024 के बारे में। अगर आप भी 2024 में 10th स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन किए होंगे तो जान सकते हैं कि 10th स्कॉलरशिप का विभाग के द्वारा आप लोग को पैसा भेजा गया था, मगर जानिए इस विभाग के द्वारा आप लोग को पैसा भेजने के दौरान काफी सारे लोग को जान सकते हैं कि पेमेंट नोट डाउन यहाँ पर लिखा कर आ रहा है। जान सकते हैं कि जब जब वो स्टेटस को चेक करने जाते होंगे तो जान सकते हैं कि पेमेंट नोट डाउन यहाँ पर आप लोग लिखा कर आ रहा है, जो आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हैं। तो उस कंडीशन में काफी सारे छात्र छात्राएं परेशान हैं कि सर, हम 2024 में 10th स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन किए थे, मगर जब हमको पैसा आने का बारी आया तो विभाग के द्वारा आप लोग को पेमेंट नोट डाउन यहाँ पर आप लोग लिखा कर आ रहा है। उस कंडीशन में जान जैसे हम सभी लोगों को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, या पेमेंट नोट डाउन को आप लोग को वेरीफाई कैसे कराना पड़ेगा, पेमेंट डाउन कैसे कराना पड़ेगा, पैसा हमारे अकाउंट में कैसे आएगा, यानी काफी सारी जानकारी लोग काफी सारे लोग वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं। चलिए, आप लोग हम सोचे कि आप लोग एक वीडियो बना दे कि जो जो लोगों को जो जो छात्र छात्राओं को पेमेंट नोट डाउन यहाँ पर लिखा कर रहा है, उन सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को पैसा कैसे आएगा, वो आप लोग हम स्टूडियो में बताने वाले हैं। क्या वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल पर आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कुछ अपडेट आएगा आप लोग को वीडियो बनाकर आप लोग को हम बता पाएंगे। आप लोग जान सकते हैं कि 10th स्कॉलरशिप 2024 में जो जो लोग अप्लाई किए थे, ऑनलाइन किए थे, तो सभी लोग को जान सकते हैं कि पैसा आप लोग विभाग के द्वारा आप लोग को भेजा गया था, मगर आप लोग को कुछ आप लोग विभाग में इशू के कारण से आप लोग को हो सकता है कि सिग्नेचर में कुछ जान सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग को सिग्नेचर फेल भी आप लोग लिखा कर आता है, इसके नीचे में आप लोग देख सकते हैं। जान सकते हैं कि विभाग के द्वारा आप लोग को सत्यापन में कुछ गड़बड़ी होने के कारण से आपके अकाउंट में पैसा भेजने के बाद भी आप लोग को पेमेंट बैक ले लिया गया है। जान जाइए कि आप लोग को पैसा आप लोग को भेजा गया था आपके अकाउंट में, मगर आप लोग को फिर से वहां से आप लोग को बैक ले लिया है। जब आप लोग को बैक लिया जाएगा तो आप लोग उस कंडीशन में प्रोसेस तो आप लोग को हो गया, मगर इस कंडीशन से जान जाइए पेमेंट नोट डाउन यहाँ पर लिखा कर आता है। चलिए, आप लोग पेमेंट अगर नोट डाउन आप लोग को लिखा कर आता है तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग को पैसा आप लोग जान सकते हैं आप लोग को पैसा 100% मिलेगा, इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ आप लोग को विभाग के इशू के द्वारा आप लोग को अकाउंट में पैसा नहीं गया है, मगर आप लोग को फिर से आप लोग को रिट्राई किया जाएगा, फिर से आपके खाता में पैसा को भेजा जाएगा। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जो लोग पेमेंट नोट डाउन यहाँ पर आप लोग को शो हो रहा है उन सभी लोगों को पैसा जाएगा, आपके खाता में जाएगा। हो सकता है कि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में जाए, मगर सभी लोगों को पैसा आप लोग के अकाउंट में जाएगा। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जो लोग पेमेंट नोट डाउन यहाँ पर आप लोग को शो हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे इसका आप लोग पेमेंट डाउन होने लगेगा आप लोग को फिर से आप लोग को वीडियो बनाकर आप लोग को बता देंगे। इसी कंडीशन में जान जैसे आप लोग को वीडियो पर ज़्यादा कमेंट आने के दौरान आप लोग को सोचे कि आप लोग को फिर से एक वीडियो बना दे, जो लोग को पैसा पेमेंट अगर नोट डाउन आप लोग को शो हो रहा है तो सभी छात्र छात्राएं टेंशन नहीं लीजिए, आपके खाता में पैसा 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आपके खाता में पैसा आ जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पर आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपका भी पेमेंट अगर नोट डाउन हुआ होगा तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा कि सर, हमको भी पेमेंट नोट डाउन लिखा कर आता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।